आरम्भ होत है सुनौ दे भजो राज श्यामा सिप्राणना सखी जीवन हमारा ए सखी जीवन हमारा श्री महामती कहे ए मीनू भया चर्चा कब अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत लाल आगे आए बैठे इन तखत बोलिए श्री प्राणनाथ जी सतगुरु महाराज श्रीजी साहेब जी साहे चले ठट्ठे से नलिए आए पहुँचे धारे ने यह बात सुनी हती आए पहुँचिया धाय के आए पहुँचिया धाय के श्री जी साहेब जी चले ठे से प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर सा जी कल के प्रसंग में हमने सुना कैसे भैरव सेठ की आत्मा जागृत हुई और जो अपने चार बातों को परहेज कराया ये बात को लेकर कल हमने सुना विस्तार से कि सुंदर सा जी जब तक हमारे अंदर जो विकार हो गए अवगुण हो गए कोई ऐसी बुरी आदतें होगी तब तक अध्यात्म की राह पर हम नहीं चल पाएंगे और हमारा जो लक्ष्य परमधाम मूल मिलावट तक पहुँचने का हम नहीं पा सकेंगे तो भैरव सेठ के प्रसंग से हमने यह बोध लिया और भैरव सेठ कैसे अपने ईमान पर पक्के और घर परिवार के लोग भी झगड़ने लगे तो भी वो अपने ईमान से नहीं डगे तो उस प्रसंग से यही सीख लेनी है सुंदरसाथ साध जी के जब पहचान होने के बाद पहली प्राथमिकता तो राज्य की जब लग भूली वतन तब लग तो नहीं दोष जब जागी हक इलमें तो भूली तो शीर अफसोस उसके बाद श्री जी वहां से सुंदरसाथ ने विदाई दी सेठ रोने लगे उसने बोला कि भई धाम धनी पहचान कराने के बाद आज हमसे क्यों विदा हो रहे हो पहले पहचान ही नहीं कराई थी तब तक तो ठीक है पहचान के बाद हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे लेकिन हमने कल देखा कि वहाँ एक मुस्लिम एक क्षेत्रीय अधिकारी जो आ रहे थे तो उसकी वजह से वहाँ से भैरवसेट को भी डर लगा कि श्री जी को विदा तो करना पड़ेगा फिर श्री जी वहाँ से सुंदर जी प्रस्थान किया कोक बंदर से लाठी बंदर होते हुए वो नगर आए और नगर की बीतक में हमने कल अंतिम में देखा कि बहुत से सुंदर सात की जागनी हुई जो सुंदर सात के नाम दिए गए हैं इस बीतक साहिब में जिस सुंदर सात का नाम लेते ही सुंदर सात जी हम अखंड में पहुँच जाते हैं वैसे वैसे सुंदर साहत ने कैसे कैसे घर बार छोड़ा परिवार को छोड़ा और धाम धनी के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पण कर दिया समर्पित कर दिया वैसे सुंदर सात का बहुत से नाम आए और अंतिम श्री जी एक माह तक वहाँ रुके वहाँ नाथा जोशी बंदन भाई ठाकुरी बाई और जिंदादा सब मिले वहाँ बहुत सी लीला चली चर्चा सत्संग भी चला और आगे श्री जी लक्ष्मणपुर पहुँचे वहाँ भी सुंदर को माया से निकाला और उसके आगे आज सुंदर जी हम नलिया बंदर पहुँचे तो नलिया में बताया श्री जी साहेब कि श्री जी साहेब जब नलिया पहुँचे तो वहाँ धारा भाई पहुँचे कौन पहुँचे धारा भाई पहुंचे, धारा भाई पहुंचे, वो अपने पर बीती हुई बात श्री जी साहेब को बता रहे एक साल पहले जो अपने पर बीती थी बात वो श्री जी साहेब को बता रहे कि हे धाम धनी धारा भाई को पता लगा कि श्री जी नलिया में पहुंचे हैं। तो धारा भाई को लगा कि नहीं मेरा एक ही आश्रय स्थान मेरा एक ही ठिकाना मेरा उसके चरणों में ही है श्री जी के तो वो शीघ्रता ही शीघ्र श्री जी के चरणों में नलिया में पहुँचे और आने के बाद अपना एक साल पहले का किस्सा कहने लगे कि श्री जी जब मैं एक साल पहले खम्भालिया में रहता था और खम्भालिया में जब मेरे रहता था, था तब उस टाइम पे मस्कत से सुरजी भाई आए तो सुरजी भाई आने के बाद उसके सहयोग से उसके सहकार से उसके घर में मैं चर्चा करने लगा और बहुत से सुंदर साथ की जमात भी वहाँ एकत्रित होने लगी और मेरे घर परिवार के लोग भी वहाँ परिवारजन भी वहाँ शामिल हो गए और बहुत से सुंदर साथ बाहर के भी लोग आने लगे तो चर्चा का भी प्रचार प्रसार इतना होने लगा कि रोज ही रात जी दिन में दीदार भी देने लगे दर्शन भी देने लगे तो वहाँ सुंदर साथ मेरे को पूजने लगे मतलब गद्दी पर बैठाया और पूजने लगे का भाव यही नहीं कि उसकी आरती उतारना उसकी सेवा पूजा करना यही पूजना नहीं लेकिन सुंदर साथ मेरे को आदर सत्कार करने लगे और एक उच्च आसन पर बिठाने लगे तो श्री जी ने बोला ठीक है जो कोई किसी ब्रह्मात्मा के दिल में कोई सुंदर साथ के दिल में धाम धनी की बैठक हो जाती उसका दिल और सो जाता और युगल स्वरूप की बैठक हो जाती तो सब कोई उसको आदर सत्कार करेगे ही करेगे इसमें क्या कोई गुनाह थोड़ी है तो यहाँ धारा भाई ने फिर बोला कि श्री जी मेरे अंदर से आवेश आने लगा चर्चा भी प्रभाव से होने लगी तो ये बात बिहार जी को पता चला कहाँ जामनगर नौतनपुरी में तो बिहार जी महाराज को अंदर से इतना हो क्रोध आया और अंदर से इतना विरोध पैदा हुआ और सीधे ही उसने अपने भांजे नागजी भाई को बुलाया नागजी भाई को बुलाया और उसको एक बोला कि भाई एक पत्र लिखो और तत्काल सुरजी भाई को खंभालिया से यहाँ बुला लो तो सीधे ही मेरे पर पत्र आया और सुरजी भाई पत्र लेकर नागजी भाई पत्र लेकर सुरजी भाई पर आए और शुरी भाई तत्काल सीधे ही नौतनपुरी पहुँचे तो नौतनपुरी पहुँचने के बाद बिहारी जी महाराज ने वहाँ जाके पहले सो पहले तो शांति से बात पूछनी शुरू की कि वहाँ के, के सुंदर साथ कैसे है कैसा चल रहा है सब ठीक ठाक तो है ने। फिर बात करते करते आगे और भी पूछा तो भोलेपन में सूरजी भाई ने सब कुछ बता दिया कि वहाँ धारा भाई चर्चा करते हैं और चर्चा करते करते जोश भी आता है धामधनी का आवेश भी आता है और रोज धाम धनी का दीदार भी सब सुंदर सात को होता है तब तो बिहार जी महाराज अंदर से क्या हो गए तम तमा उठे ने अंदर से क्योंकि बिहारी जी महाराज का स्वभाव तो वैसा ही था सबको पता है सुंदर साथ जी उसकी तरबियत का तो तो बिहारी जी महाराज सीधे ही बोले कि अरे कैसा आवेश कैसा दर्शन ये तो सुंदर साथ के गुमराह करने की बात है ये तो सब सुंदर साथ के अंदर माया घर कर बैठी है मतलब सब सुंदर साथ के अंदर माया घर कर बैठ गई है कोई आवेश नहीं आता कोई चर्चा में प्रभाव नहीं है जो ऐसा ही चलता रहेगा तो सतगुरु की बताई हुई राह मतलब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के टाइम से जो एक राह बताई है निजानंद संप्रदाय की तो राह पर कौन चलेगा जो अभी ऐसा चमत्कार आढ़ी का लीला या ऐसे ही जो लीला होती रहेगी तो तो ये सुद्रो का पंथ हो जाएगा और सतगुरु की बताई हुई राह पर कोई चलेगा नहीं उसका कोई अनुसरण भी नहीं करेगा तो जाओ सुरजी भाई उसको कोई चर्चा नहीं करनी है उसको अपने गांव से नगर से या प्रदेश से बाहर निकाल दो ये बात कौन बता रहा है सुंदर साद जी कौन बता रहा है धारा भाई किसको बता रहे हैं श्री जी को और बता रहे हैं कहाँ नलिया में और एक साल पहले पुरानी बात है ठीक है समझ में आया एक साल पहले बीती हुई बात अभी धारा भाई नलिया बंदर में श्री जी को बता रहे हैं नौतनपुरी की कि जाओ उसको नगर से शहर से और प्रदेश से बाहर निकाल दो और इतना ही नहीं और ज्यादा थोड़ा दबाव से बोला कि जाओ जो उसको बाहर आप नहीं निकालोगे धारा भाई को और अपने परिवार पूरे परिवार के साथ निकाल दो जो आप नहीं निकालोगे तो आपका मेरे साथ कोई नाता रहेगा नहीं और मैं आपको भी बार हजार सुंदर साहद की जो संख्या है ने उसमें से मैं आपको भी बाहर निकाल दूंगा सुंदर साहद जी जो काम धाम धनी परम धाम से नहीं कर पाए यह काम क्या बिहारी जी महाराज कर पाएंगे क्या बोला कि मैं आपको भी सुंदर साथ की जमात से निकाल दूंगा जो आप मेरी बात को मान्य नहीं रखेंगे तो और मैं आपको परमधाम लेकर भी नहीं जाऊंगा और आपका मेरे साथ कोई नाता नहीं रहेगा तो यहाँ सुंदर जी ये हमारी हर एक की कोई जो समझ की बात है सुंदर साहद जी यहाँ ध्यान से सुनना ये घटना ये लीला अभी भी वर्तमान में भी चल रही है ये कोई पूरी नहीं हुई है हमारे अंदर जब सत्य ज्ञान की कमी होने से वाणी के ज्ञान की कमी होने से कारण मतलब हमें वाणी के ज्ञान की गहराइयों में नहीं डूबने के कारण हमारे अंदर भी संशय बना रहता ठीक है जब वाणी की गहराइयों में हम नहीं डूबेंगे तो यहाँ यही तो बात है कि सुरजी भाई के अंदर वाणी के ज्ञान की गहराई में कोई मतलब अंदर की कोई सुगंधी ज्ञान की नहीं थी इतनी कि वो इतनी बातों को समझ ले तो सुरजी भाई ने क्या बोला हाँ बिहार जी महाराज हाँ गद्दीपति बिहार जी महाराज मैं अवश्य चौकस में धारा भाई और उसके परिवार को नगर गांव और प्रदेश से मैं बाहर निकालवा दूँगा क्योंकि मैं बाहर निकलवा दूंगा आप चिंता मत कीजिए सुंदर साह जी सूर्जी भाई के अंदर ज्ञान चक्षु अंदर के आंतरिक चक्षु नहीं खुले थे इसलिए उसको लगा कि गादी यही सर्वोपरि है क्या लगा गादी ही सर्वोपरि है और गादी के बंधन से वो अलग होकर एक गद्दी के बंधन से वो अलग होकर धाम धनी से अपना नाता वो जोड़ ही नहीं पाए क्योंकि वो वाणी की गहराइयों में डूबे नहीं थे जो वाणी के साथ अपना दिल जोड़ा होता धामधनी के चरणों के साथ अपना दिल जोड़ा होता तो ये बात नहीं बनती और सुंदर जी आज हम देख रहे हैं ने? अभी वर्तमान में भी सुंदर साद जी जो सुंदरसाथ वानी के साथ नहीं जुड़ेगा और सिर्फ उपली उपली बातों को लेगा या किसी के कहने पर मान जाएगा तो किसी की कहे हुई बात तो कदाचित गलत भी होगी लेकिन वानी की बात ही सही है सुंदर सा जी तो हमारी हालत भी वैसी होगी लेकिन जो वानी क्या कहती है वही सही रूप में मानना है कौन क्या कहता है और कौन क्या कहता है यह नहीं वाणी क्या कहती है और प्राणनाथ जी का वचन क्या कहता है बस प्राणनाथ जी की वाणी ही सही है तो प्राणनाथ जी की वाणी नहीं वाणी हमारे अंदर नहीं गई सुंदर साद जी धामधनी की तो यही हालत होती है जो सुरजी भाई कोई नहीं सुरजी भाई हम हैं आज देखिए ना सुंदर साहद जी बिहारी जी महाराज की लीला और आगे आएगी तब हम देखेंगे तो अभी भी यहाँ सुरजी भाई को बिहारी जी ने बोला कि सुरजी भाई वहाँ जाके आप बोल दीजिए कि भाई तुम यहाँ से बाहर निकल जाइए आपका कोई हमारे साथ नाता नहीं है तो यहाँ सुरजी भाई तत्काल जामनगर से सुंदर जी खम्भालिया आते हैं और सीधे ही बिहारी जी नहीं धारा भाई को अपने गांव से या नगर या प्रदेश से बाहर निकाल देते हैं कहाँ निकाल देते हैं गांव नगर या प्रदेश से बाहर तो सुंदर साहद जी वहाँ धारा भाई बहुत गिड़गिड़ाने लगते हैं प्रार्थना करने लगते हैं कि सुरजी भाई मेरा क्या गुना है ठीक है मैंने चर्चा की तो चर्चा में मैं चर्चा करने से मैं गुनेगार हूँ ठीक है तो मेरे परिवार के सदस्य मेरे पत्नी बेनी भाई या मेरी बहन का क्या गुना है आप मेरे परिवार जनों सहित सबको क्यों बाहर निकाल रहे हो तो सुरजी भाई ने बोला कि भाई ये बात ये प्रार्थना मेरे से मत कीजिए आप सीधे ही गदीपति बिहार जी महाराज के पास जाइए ने वहाँ प्रार्थना कीजिए यहाँ मेरा कुछ बस चलने वाला नहीं है तो सुंदर साज जी तब धारा भाई कहाँ जाते हैं नौतन पुरी तो नौतनपुरी जाके बिहारी जी महाराज के चरणों में तीन दिन तक सुन्दर साधजी रोते गिड़गिड़ाते बहुत विनम्र स्वरों में प्रार्थना करते हैं कि हे धामधनी हे बिहारी जी महाराज मैंने क्या गुनाह किया आप मेरे को आपके चरणों से जोड़ दीजिए मतलब हमको सम निजानंद में शामिल कर दीजिए मैंने क्या गुनाह किया ठीक है मैंने गुनाह किया मेरी पत्नी मेरी बहन मेरे परिवारों ने क्या गुनाह किया तो आप इतना ये काम क्यों इतना ये गहरा काम आप क्यों कर रहे हो तब सुंदर सा जी बिहार जी महाराज का तो हृदय निष्ठुर था उसके अंदर कोई दया नहीं थी उसने बोला कि नहीं ये काम तो मेरे से नहीं होगा तब यहाँ सुन्दरसाद जी श्री जी ने बोला धारा भाई जब ये बात कर रहे श्री जी को तो बोले भी धारा भाई के श्री जी ये करते करते आज मेरा एक साल हो गया एक साल के बाद मैं आज आपके चरणों में आया हूँ और आपके चरणों में नम्र स्वरों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि बिहारी जी महाराज को बोल के मेरे को निजानंद संप्रदाय में शामिल कर दे तब श्री जी ने बोला सुंदर साज जी वहां के आप चिंता मत कीजिए अभी बिहारी जी महाराज यहां नलिया में आने वाले हैं। तो मैं नलिया जब बिहारी जी आएंगे तो उसकी बधाई आप दे देना तो बधाई जब देंगे ने तो मैं तभी उस टाइम पे जहां जहां जागनी का जो कार्य हुआ है और जहाँ जहाँ धन संपत्ति या वस्त्र आभूषण जो कुछ मिले हैं ठहर ठहर नगर नगर ठेर ठेर जहाँ जहाँ जो जो कार्य हुआ उसके बारे में मैं जब जानकारी दूंगा तो बिहार जी महाराज शायद मान जाएंगे और आपको शामिल भी कर देंगे तो इतनी बात रख कर सुंदर जी सांत्वना दी धारा भाई को श्री जी ने यहाँ बिहार जी सुंदर शाह जी गद्दी पर बैठे हैं तो अपनी जो गद्दी का जो अभी सुंदर सा जी उसके अंदर एक अपना पद अपनी सत्ता और एक अनुयायों के बल पर आज की वर्तमान स्थिति को हम देखें तो सुंदर साहद जी जो ये बल पर अपने अहंकार में जो डूबे हुए सुंदर साह जी सुंदर साहद को और देख देखते भी नहीं और बेचारे ऐसे गरीब या भोले भा साथ आज कितने दुखी होते हैं ये हमने बिहारी जी महाराज के प्रसंग से यही सुना तो सुंदर सात जी ये प्रसंग से इतनी ही सीख लेनी है कि भाई धामधनी सिर्फ गद्दी में नहीं बैठे हैं, धामधनी तो सुंदर साथ के दिल में बैठे हैं, धामधनी तो वाणी में बैठे हैं। जो गद्दी में धामधनी बैठे होते तो बिहार जी महाराज ही तो गद्दी पर थे तो गद्दी पर बैठने से बिहार जी महाराज के तन से वानी क्यों अवतरित हुई और मिहराज जी मतलब उसके धाम दिल में जो मिहराज के अंदर इंद्रावती की आत्मा बैठी थी और इंद्रावती की आत्मा जो महामती के धाम दिल में स्वयं धाम धनी विराजमान हुए और उस तन से वाणी उतरी तो गद्दी पर बैठने से कोई आवेश नहीं आ जाता और कोई वाणी का भी अवतरण नहीं होता तो सुंदर साद जी मिहराज तो वहाँ से निकल गए इंद्रावती की आत्मा और महामती के धाम दिल से ही वाणी उतरने शुरू हो गई तो आज सुंदर साद की भूल वहाँ होती है कि गादी को ही सर्वोपरि मानते हैं ठीक है गादी को मानना चाहिए गदी पर बैठने वाले गुरुजनों को भी मानना चाहिए उसको आदर सत्कार करना चाहिए उस उसके चरणों में प्रणाम भी करना चाहिए लेकिन गादी को हुई सर्वोपरि मानना ये हमारे लिए बहुत बड़ी भूल है तो ये प्रसंग से सुंदर साद जी सुरजी भाई के प्रसंग से हमने ये बात सुनने को मिली और समझने को मिली और आगे सुंदर जी यहाँ श्री जी ने थोड़ी सांत्वना दी कि अभी बिहारी जी महाराज आ रहे हैं तो सुंदर जी तब बिहारी जी महाराज भी मंडई में उतरे यहाँ से शुभ सूचना धारा भाई ने दी कि श्री जी बिहारी जी महाराज मंडई में आ गए हैं तो यहाँ से श्री जी भी सुंदर जी मंडई बंदर पहुँचे और मंडई और सब सुंदर सात का वहाँ मिलन भी हुआ और मंडई से सुंदर जी बिहारी जी महाराज और उसके साथ चार सुंदर सात और भी थे हरिवंश लालो अखई ऐसे चार सुंदर साथ उसके साथ आए थे और सबको लेकर श्री जी नलिया पहुँचे और वहाँ एक कामदार की हवेली लेकर सब सुंदर साथ को सुंदर जी वहाँ ठहराया और ठहराने के बाद वहाँ चर्चा भी श्री जी ने प्रारंभ कर दी जहाँ जहाँ श्री जी जाते हैं वहाँ चर्चा चर्चा और चर्चा चर्चा के सिवा और कोई बात ही नहीं है सुंदर जी तो वहाँ श्री जी ने चर्चा प्रारंभ कर दी श्री जी की चर्चा सब सुंदर साथ मिलने से ऐसे आनंदित भी होने लगे क्योंकि वहाँ सूरत से भी सुंदर साथ बहुत आए थे आठ लोग सूरत के भी सुंदर साथ थे और चार लोग बिहार जी महाराज के साथ भी आए थे और श्री जी के साथ भी बहुत से सुंदर साथ थे तो सब सुंदर साथ का मिलन वहाँ हुआ क्योंकि धाम मेला तो सदी वे लेकिन दुर्लभ मेलो संसार लेकिन यहाँ दुर्लभ मेलो नहीं है सब सुंदर साथ का मिलन इस ब्रह्मांड में इस भारत भूमि के अंदर जहाँ श्री जी आए जिसके चरण कमल पड़े सुंदर साद जी तो वहाँ तो ब्रह्मात्माओं का मेला होना अवश्य ही था तो सब सुंदर साहद का मिलन नलिया में हुआ और वहाँ श्री जी ने इतनी प्रभावशाली चर्चा की तो सबको यही चर्चा मीठी लगी इतनी मीठी लगी कि सुंदर साहद वहाँ से जाने के लिए मन ही नहीं करता था मतलब थोड़ी देर भी दूर हटने के लिए मन ही नहीं करता था बिहारी जी महाराज जब ये चर्चा सुनने लगे तो बाहर से तो ये देखाव के लिए एक सुनते थे लेकिन अंदर से बिहार जी महाराज के अंदर ये व्यंग अंदर से मंद मंद हंसते थे व्यंग्यात्मक पूर्वक अंदर मंद मंद हंसते थे उसको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसको गद्दी का डर था ने? भाई देखो आजवानी भी महाराज के तन से उतर रही है इंद्रावती की आत्म से उतर रही है मेरे अंदर रतनबाई की आत्मा है सदगुरु ने पहचाना तो है लेकिन मेरे तन से तो कोई कार्य ही नहीं हो रहा है सुंदर साथ मेरे प्रति भी भाव नहीं रखता है तो बिहारी जी महाराज के अंदर बहुत से संशय बने थे बहुत सी भ्रांतियाँ थी तो अंदर से वो खुश नहीं थे तो सुंदर साथ जी श्री जी की चर्चा सब सुनने लगे वहाँ और चर्चा सुनते सुनते सुंदर शाह जी बहुत दिन व्यतीत हो गए और एक दिन सुंदर साह जी चर्चा सुनते सुनते बहुत दिन बीतने लगे तो एक दिन श्री जी ने सोचा कि चलो हम एकांत स्थान में बैठकर कोई जागनी प्रचार के बारे में भी बात करें तो बिहारी जी महाराज के साथ सुंदर सा जी एक बात रखी श्री जी ने कि भाई आने वाले टाइम में जागनी प्रचार के लिए क्या करना है तो बिहारी जी महाराज ने बोला कि भाई सदगुरु महाराज मेरे पिताजी कभी भी जागनी प्रचार के लिए बाहर नहीं निकले हैं ये हमारी राह नहीं है वैराग्य की रूप के धारण वैराग्य का रूप धारण कर कर ठेर ठेर जंगल जंगल वन वन जाना और वहाँ जाके सबकी झागनी करना ये हमारा काम नहीं है हम तो गृहस्थी जीवन में है ने ये हमारा काम नहीं है आप ऐसा करो ने क्या तो क्या बताया कि भाई आप ऐसा करो एक ही जगह आप यहाँ नहीं रह पाते हालार देश में तो कच्छ में जाकर नौकरी करो कोई राजाओं की नौकरी करो तब श्री जी ने बताया कि मैं क्यों नौकरी करूं दूसरे राजाओं की क्यों जी हजूर करते रहूं मैं उसका क्योंकि मेरे सतगुरु धनी देव चंद्र जी ने मेरे को जो अखंड अनमोल निधि दी है जो निधि से आज मेरे को परमधाम की जो राह मिली है वो निधि में ठेर ठेर गांव गांव स्थान स्थान जो राजा है बड़े बड़े राजा बनकर बैठे हैं जो बड़े बड़े स्थान पर बैठे बैठे राजाओं को मैं ये अवलौकिक निधि दूंगा इतना ही नहीं ये निधि से मैं अन, अनमोल निधि परमधाम का अखंड ज्ञान दूंगा तो ये राजा भी जागृत हो जाएंगे इतना ही नहीं ये राजा जागृत होके आपके चरणों में आएगा इतना नहीं मैं उसको समझाऊंगा और बहुत सी बातों से उसको समझाकर कर और उसकी आत्मा की जागनी करूँगा और इतना ही नहीं जागृत हो जाएगा तो ये आपके पास आके लेगा और आपके चरणों में वो झुकेगा और आप क्यों ऐसा कह रहे हो कि नहीं आप कच्छ में नौकरी करो नहीं मैं तो जो सतगुरु महाराज की बताई हुई राह पर ही चलूँगा यहाँ श्री जी ने यह बताया और भी आगे बताया कि हे बिहारी जी महाराज शकुंडल और सकुमार, क्योंकि सतगुरु ने पहले से बताया था कि शकुंडल सकुमार की कही सुनाई बात मूल स्वरूप उनके हंसत है खेल में है अपनी जात शकुंडल और सकुमार की जो बात है क्या तो के दो जो सिरदार आत्माएं इस संसार में आई है ये संसार में जो दो आत्माएं आई है ये सकुंडल सकुमार की तो उसको जगाना है जब तक वो नहीं जगेगी तब तक ये खेल खत्म नहीं होगा और सुंदर साजी हम परमधाम वापस नहीं लौटोंगे लौटेंगे तो ये सकुंडल और सकुमार की जागनी का उत्तरदायित्व तो भी मेरे सिर पर धामधनी सतगुरु ने रखा है तो मैं यहाँ क्यों बैठे रहूँ नहीं मेरे को तो आगे जागनी के कार्य के लिए जाना है और इतना ही नहीं सुंदर जी और बीच बीच में हम सबको पता है कि रूपा बाई राधा बाई और बहुत से सुंदर साथ मैंने अभी बताया ने कि बहुत से सुंदर साथ की आगे जागनी हुई थी जहाँ जहाँ श्री जी ठट्ठा नल ठट्ठा नगर लाठी मस्कत जहाँ जहाँ अबासी बंदर में गए तो वहां से जो जो सुंदर साथ जुड़े थे सुंदर साथ जी उसमें से एक रा, राधाबाई रूपाबाई भी थी तो राधाबाई और रूपाबाई का मन बिहार जी की सेवा में लगता नहीं था तो श्रीजी ने देखो सिर्फ गद्दी की और आस्था भी दिलाई है ऐसा नहीं कि श्रीजी ने गद्दी के बारे में सुंदर साहद जी में एक बात आपको पूछती हूं कि ये बीतक लिखने वाले स्वयं धाम के धनी है किस तन में बैठकर लिखा है लालदासी महाराज के धाम दिल में आसबाई के धाम दिल में और महामती के स्वरों में मतलब आसबाई के धाम दिल में स्वयं धाम धनी तो बैठे महामती मतलब पांच शक्ति के साथ लिखा हुआ तो महामती के स्वरों में ये बीतक कही गई है ठीक है तो जो महामती के स्वरों में कही गई बीतक स्वयं धाम धनी ने लिखी है तो जो आज गद्दी का प्रसंग लिखा एक जगह तो बिहारी जी महाराज के टाइम पे जो लीला हुई वो उसने साफ साफ लिख दी ने आज यहाँ फिर राधाबाई रूपाबाई का प्रसंग लेकर फिर गद्दी की ओर आस्था भी दिला रहे कि देखो बिहारी जी महाराज स्वयं धाम के धनी है क्योंकि सदगुरु महाराज की गद्दी पर वो बैठे हैं भले भी हाई जी महाराज गादी पुत्र है गद्दी पति है और एक सदगुरु के पुत्र है ठीक है लेकिन बैठे तो गद्दी पर ने तो उसका सम्मान करना चाहिए रूपाबाई बाई राधा बाई जो आप उससे संबंध नहीं रखेंगी उसकी सेवा में आप नहीं रहोगी आपका मुंह उससे मोड़ लोगी तो आप मेरे साथ कोई मे, आपका मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहेगा आप इतनी बातों में मेरी बात को मान लो क्या बताया श्री जी ने रूपा भाई राधा बाई को कि हे रुपा भाई हे राधा भाई आप बिहार जी महाराज का आदर सत्कार करना है उसकी सेवा में रहना है देखो मैं पहले से आपको सावचेत कर रहा हूं अलर्ट कर रहा हूं जो आप अभी नहीं मानोगे मेरी बात को तो फिर बाद में मेरे को दोषी मत बनाना तो सुंदर सा जी या रूपाबाई राधाबाई को भी श्री जी सावचेत कर रहे कि भाई बिहारी जी महाराज गादी गदीपति जो बिहारी जी महाराज है वो सतगुरु के हमारे धन देवचंद्र जी के पुत्र है उसका आदर सत्कार करना है लेकिन थोड़े टाइम रूपा बाई राधाबाई सेवा तो करती है लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर सुंदर जी उसका मन उसकी सेवा में बिहार जी महाराज की सेवा में लगता नहीं है तो फिर श्री जी सुंदर जी बार बार सुंदर साद को समझाते लेकिन बिहारी जी महाराज का स्वभाव ही वैसा है ने कि भाई सुंदर साहद जी बिहार जी महाराज को भी पता लग गया कि देखो रूपाबाई का मन मेरी सेवा में नहीं है तो बिहार जी महाराज के मन में भी रूपाबाई राधाबाई की ओर मन में संशय बन गए तो वहाँ से थोड़ी दूरी भी बनती गई सुंदर जी दूरी भी बनती गई लेकिन श्री जी क्या चाहते हैं प्राणनाथ जी क्या चाहते हैं कि नहीं सुंदर सा जी हम गुरुपुत्र बिहारी जी महाराज का सम्मान तो करना ही चाहिए तो यहाँ श्री जी ने जो जो बात सुंदर सा जी सही रूप में घटित हुई वो धाम धनी ने वहाँ वैसे ही लिखा और जहाँ जहाँ बिहारी जी महाराज की वैसी ही लीला हुई तो यहाँ श्री जी के मन में भी सुंदर सा जी बिहार जी महाराज की ऐसी लीला को देखकर थोड़ा अंदर से सुंदर जी दुख होने लगा जिस तन में स्वयं अक्षरातीत बैठे हो उस तन को तो कोई दुख नहीं होता लेकिन उस तन में भी एक जीव बैठा है तो श्री जी ने अंदर मेहराज ठाकुर के अंदर बैठा हुआ मरु का जीव उसने भी एक दिन सोचा कि अवश्य बिहार जी महाराज के अंदर जो रतनबाई की वासना है परमधाम का अंकुर रतनबाई का अंकुर है तो इतना तो दिल निष्ठुर नहीं होना चाहिए चौकस बिहार जी महाराज के अंदर सदगुरु के टाइम पे जो चर्चा होती थी जो सत्संग होता था धाम की बातें ब्रज की बातें रास के बातें तो ये उसके अंदर गई नहीं है उसने अपने दिल में ये सुख लिया ही नहीं है जो लिया होता तो आज वो ये काम नहीं करते तो चौकस उसका दिल निष्ठुर है मतलब उसके अंदर कोई दया नहीं है कोई करुणा नहीं है तो आज देखो सुंदर साथ से बीच में अपने अंदर से दूरी बनाते जा रहे हैं तो श्री जी का मन भी थोड़ा बिहारी जी से हट गया और उसके अंदर भी बिहारी जी महाराज और श्री जी के बीच का थोड़ा अंतराय होने लगा दूरी बनने लगी सुंदर साद जी लेकिन दोनों के दिल में बनी रही दूसरे किसी को पता नहीं लगा मतलब श्री जी और बिहारी जी महाराज दोनों के दिल में थोड़ा वैमनस्य मत दूरी बनने लगी लेकिन दूसरे को पता नहीं लगा लेकिन श्री जी तो अपने काम में चर्चा सत्संग में और लग गए यहाँ सुंदर साद जी मैंने कल भी बताया था कि जो पत्री पहले चिंतामणि के श्यामल जी के साथ भेजी थी सुंदर जी के भाई मैं नलिया आ रहा हूँ तुम भी कच्छ में आ जाओ तब तो बिहारी जी महाराज ने पहले तो मना किया था बाद में जब विश्वनाथ भट्ट के साथ जब एक दूसरी पत्री भेजी तो यहाँ ये पत्री में लिखा समाचार जागनी का भी लिखा ये भी लिखा कि मैं नलिया आ रहा हूँ और तुम भी कच्छ में आ जाओ तो बिहारी जी महाराज ने बोला था कि हाँ मैं अवश्य आ रहा हूँ क्योंकि जो धन संपत्ति एकत्रित हुई थी वो धन संपत्ति मैं आपको देना चाहता हूँ सुंदर जी तो यहाँ ये बात फिर दोबारा यहाँ सुंदर जी जाहिर की गई क्योंकि बिहारी जी महाराज को पता लग गया कि श्री जी धन संपत्ति वस्त्र आभूषण जो जो सुंदर साथ ने दिए हैं ये मेरे को अर्पण करना चाहते हैं तो बिहार जी महाराज ने बोला कि मैं अवश्य आ रहा हूँ तो ये सीधे वहाँ पहुँच गए थे तो यहाँ श्री जी ने बिहार जी महाराज को जो जो धन संपत्ति वस्त्र आभूषण कपड़े जो जो वस्त्र जो भी थे ये सब कुछ बिहार जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने पास क्या रखा सुंदर जी श्री जी के दिल की करुणा देखो श्री जी के दिल की अंदर की प्रेम देखो सुंदर साजी, जी उसके अंदर का धैर्य देखो कि श्री जी बिहार जी महाराज तो अपना स्वभाव वैसे प्रकट करते जा रहे और श्री जी सुंदर साजी जी तो भी अपना मन एक बार तो अपने से थोड़ी दूरी बना ली थी लेकिन फिर भी श्री जी ने अपना मन वहाँ से हटा लिया फिर अंदर बिहार जी महाराज के प्रति प्रेम प्रकट किया और जो भी चीज जो भी धन संपत्ति, जो भी वस्त्र आभूषण उसके पास आया था सब बिहार जी महाराज के चरणों में समर्पण कर दिए अर्पण कर दिए और सुंदरसा जी वहाँ से बिहारी जी महाराज एकांत स्थान में मैंने अभी बोला कि चर्चा की बात हुई कि जागनी करना है तभी बिहार जी महाराज ने बोला कि नहीं मैं तो ऐसे नहीं निकल पाता मेरे साथ मेरे भांजे नागजी भाई की पत्नी बोझल मतलब भारी है और उसके परिवार के और भी लोग हैं मैं वैसे तो नहीं निकल पाता आपके साथ तो श्री जी ने बोला मैं तो आगे और सुंदर साथ की जागनी करनी है मैं तो आगे जा रहा हूँ सुंदर साथ जी तो यहाँ बिहार जी महाराज नलिए से सीधे ही खम्भालिया पहुँचे और सुंदर शाह जी श्री जी यहाँ नलिए से मंडई पहुँचे और मंडई से जब खम्भालिया से दोहरा जी पहुँचने में जा रहे थे और बिहारी जी महाराज को विदा किए तो बिहारी जी महाराज तो सब धन संपत्ति वस्त्र आभूषण लेकर विदा के दी कर दिए और यहाँ सुंदर साथ को विदा करने के लिए श्री जी सब सुंदर साथ के साथ मंडई आए और मंडई से जब सब नाव में बैठने लगे तो नाव में बैठने के समय जो सुंदर साथ सूरत के सुंदर साथ थे आठ और भी सुंदर साथ थे सुंदर साथ जी सब नाव में बैठे और जब तेजकुरी जी भी नाव में बैठ गई और यहाँ सुंदर साथ जी जब श्री जी नाव में बैठने के लिए गए तब छीक आई क्या आई छीक आई और नाव आगे चल गई और श्री जी वहाँ ही खड़े रह गए तो मतलब छींक आई तो श्रीजी नाव पर नहीं चढ़े तो आज हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि छीकाने आने से सुकन अब सुकन ऐसी हम बात मानते हैं कि छीकाना आना कोई एक कोई अनघटित घटना घटित होती है तो उससे पहले उसको कोई संकेत मिल जाते तो छीकाने आने से ऐसा कुछ नहीं है धामधनी का संकेत मिला अंतस्करण से एक प्रेरणा मिली सुंदर शाह जी संकेत आया कि जिस तन में आने वाली जागनी भी इस तन पर उत्तरदायित्व है जिस शरीर जिस महामती को शोभा मिली है ये जागनी की आने वाले आ, आगे टाइम की और इतना ही नहीं सुंदर शाह जी और आगे क्या होने वाला था ये मूल स्वरूप की प्रेरणा हुई इसलिए इस तन को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था इसलिए श्री जी को छींक आया मतलब नाव हट गई मतलब नाव आगे चल गई और श्री जी वहाँ खड़े रह गए सब सुंदर साथ नाव के द्वारा खंभालिया पहुँचे और श्री जी सुंदर साजी स्थल मार्ग से होते हुए कच्छ के रण से वैराग्य भेष धारण कर करके वो सीधे कहाँ पहुँचे वो धोराजी पहुँचे वैराग्य वेश धारण करके वो दौरा जी पहुँचे और बीच में क्या घटना घटी तो के खम्भाले के अंदर वहाँ पहले कौन पहुँच गए बिहारी जी महाराज वहाँ पहुँच गए तो बिहारी जी महाराज लीलारस सागर में सुंदर सा जी लिखा है लालदासी कृत वित्तक साहेब में तो नहीं लिखा है लीला रस सागर में लिखा है कि बिहार जी महाराज ने वहाँ खंभालिया में जाके अपने सेवक से सुंदरसाज जी एक वहाँ खम्बालिया के राजा को एक सूचना पहुँचाई कि अभी मिहिराज नाव के द्वारा खम्बालिया आ रहा है और उसको सीधे जब्त कर लो और आपकी जो पहले वाली पहले वाला जो बदला लेना है ना क्योंकि मिहिराज जब जामनगर के मंत्री पद सचिव मंत्री के सचिव पद पर जब थे तो उस टाइम पे उसकी निमणुक होने वाली थी जो खंभालिया के राजा की लेकिन वहाँ मिहराज की निमणुक हुई थी तो उस टाइम पे वो दुश्मनी रखता था उस टाइम की वो दुश्मनी रखता था कौन खंभालिया के राजा तो यहाँ बिहार जी महाराज ने बता दिया खंभालिया के राजा को कि हे राजा तुम उस टाइम का बदला अभी ले लो तो यहाँ जो मिहराज तेजकुरी जी सब सुंदर साथ सूरत के सुंदर साथ और भी सुंदर साथ है सब नाव में आ रहे हैं उसको सब को जब्त कर लो तो जैसी नाव खंभालिया पहुंची सुंदर साथ जी तो खंभालिया पहुंचने के सीधे ही वहाँ पहरेदार सब खड़े थे नाव के वहाँ जा नाव किनारे पर पहुंची तो पहरेदारों ने सीधे ही सब सुंदर साथ को जब्त कर लिया और बहुत सख्त रूप से जांच की और जांच में सबको पूछा वहां एक दो दिन एका दो दिन रखा भी और पूछा कि भाई इसमें मिहराज कौन है लेकिन धामधनी की जिस पर कृपा है अपरम्पार मेहर है जिसकी छत्रसाएं में सुंदर साथ है सुंदर सात जी इसको कौन हटा सकता इसको कौन सुंदरशाह जी दुख दे सकता तो यहाँ शक्ति से जांच तो की पूछा कि मिहराज कौन है तो बोला कि भाई यहाँ तो कोई मिहराज नहीं है क्योंकि सूरत के सुंदर जो आठ थे वो पहले से अलर्ट हो गए थे उसको पता था कि सब काम बिहारी जी महाराज का है हमको अंदर से अलर्ट हो जाना है सब सही बात बतानी वास्तविकता का पता लगने देना नहीं है तो सुंदर साहद जी यहाँ पूरी तरह अलग अलग तरीके से बात पूछी लेकिन सुंदर साहद सावधान हो गए थे सूरत के सुंदर साहद उसने ये बात पूरी सही रूप में बताई नहीं सुंदर साहद जी तो फिर बताया फिर पूछा राजा के राजा ने कि भाई तो तेजकुरी कौन है तो बोले कौन तेजकुरी हम तेजकुरी को तो पहचानते भी नहीं है तो बोला कि ये कौन है तेजकुरी नहीं है तो बताया नहीं ये तो हमारी बहन है हम सूरत के सुंदरसा हम सूरत के ब्राह्मण लोग हैं ये हमारी बहन है हम कोई मांगलिक प्रसंग के लिए गए थे तो बोला कि तभी छुत अछूत का बहुत समय चल रहा था तो तभी बोला कि जो ये तेजकुरी नहीं है तो आप उसके हाथों से बनाया हुआ आप भोजन खाओगे कच्चा तो उसने बोला हाँ तो तभी तेज गुरु जी से बनाया हुआ कच्चा भोजन सुंदर जी खाया तो उस बातों से उस खाने से सुंदर जी राजा को विश्वास आ गया और सब को उसने छोड़ दिया उसको विश्वास आ गया ने तो सबने छोड़ दिया तो सुंदर जी इस प्रसंग से हम बिहार जी महाराज की जो एक मानसिकता नकारात्मक विचार संकुचितता देखकर भी श्री श्रीजी के अंदर कितना प्रेम कितनी अंदर से करुणा और सुंदर साद को कैसे धामधनी अपनी छत्र साया में रखते हैं यह प्रसंग से हमको यह सुनने को मिला और सुंदर साजी सुंदर साजी सीधे ही कहाँ पहुँचे खम्भाले से होते हुए धोरा जी पहुँचे और श्री जी भी स्थल मार्ग से होते हुए वहाँ से कच्छ के रण से होते हुए विरक्त भेष में वो भी धोरा जी पहुँचे और सब सुंदर साथ का मिलन धोरा जी गाँव में हुआ और धोरा जी गाँव में सुंदर साह जी प्रेम जी थावर उसने ये बात सुनी कि श्रीजी सुंदरसाथ सहित सब यहाँ आए हैं तो अपनी बैलगाड़ी लेकर धोरा जी पहुँचे और धोरा जी में सुंदर सा जी एक उतरता है धोरीड़ा मामू के तारी धू सरी वाटड़ी विषमी गाड़ी भार भर धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी हारे धोरीड़ा तूने गोदे मारे घणे हारे तू तो नाके नथाण तू तो बो बोले बंधाणो बोल आपणे रे धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी सुंदर सा जी ये तन कहाँ उतरता है धोरा जी में तो ये किस भाव में तन उतरा है ये सुंदर सा जी ये पूरा मिहिराज के अंदर जो मरु का जीव बैठा है इंद्रावती की आत्म और मिहिराज को जो जागनी का उत्तरदायित्व जो सौंपा गया है उस प्रसंग को लेकर सुंदर सा जी किरंतन उतरा है यहां बताया कि दोरीडामा मुके तारी धूसरी वाटड़ी विशमीरे गाड़ी भार भरी तो यहां बताया जब प्रेम जी भाई थावर भाई जब गाड़ी अपनी बैलगाड़ी लेके आए और बैलगाड़ी में बहुत से सुंदर साथ को बिठा भी दिया तो गाड़ी में भार वज़न भी बहुत था तो गाड़ी चलने में थोड़ी अंदर दिक्कत भी आती है सुंदर साहद जी क्योंकि जो गाड़ी के पहिए नीचे धस जाते थे क्योंकि नीचे कीचड़ था बालू भी थी रेत भी थी नीचे और कीचड़ भी था रास्ता भी उबड़ खाबड़ था तो गाड़ी के पहिए नीचे धस जाते थे इतना नहीं और भी क्या था और जो बैलगाड़ी गाड़ीवान है बैलगाड़ी चलाने वाले गाड़ीवान एक तो बेचारे बैल अपने ना नाक से नथे हुए है जूते से जुए हुए है और इतना ही नहीं कंधे पर दूसरी भी है और चलना भी मुश्किल है और गाड़ीवान ऊपर से अपनी सुए से भोंक रहे हैं मार रहे हैं उसको इतना चूया भोंक रहे हैं कि भाई तू जल्दी से चल कैसे बिचारे बैल चलते सुंदर साजी ये बात सब मिहराज मिहराज के जीव और उसकी आत्मा पर यह घटित हो रही है कि हे मिहराज ये धर्म का रास्ता बहुत कठिन है जागनी का पूरा उत्तरदायित्व तेरे सिर पर है और तू बिहार जी महाराज गद्दीपति है उसकी बातों से तू बंधा हुआ है तेरे सिर पर जो कांध पर दूसरी रखी है मतलब जागनी का उत्तरदायित्व पूरा तेरों को सौंपा गया है और बिहार जी महाराज भी कदम कदम पर तेरे को बाधाएं भी डाल रहा है तेरे जागनी प्रचार में रोक रोके भी लगा जा रही है तो ये भी तेरे को सहन करना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते में कीचड़ मतलब उबड़ खाबड़ भी रास्ता है और कीचड़ भी आ रहा है मतलब बिहार जी महाराज कदम कदम पर तेरे को ये रोके जा रहे हैं बाधाएँ डालते जा रहे हैं लेकिन हे महराज तेरे को जो तू नाक से नथा हुआ है मतलब बिहाजी महाराज की बातों से बंधा हुआ है तेरे को ये दूसरी नहीं छोड़नी है जूते से जो ये हुए तेरे नाक में जो ना नथा हुआ है जूते से ये भी नहीं छोड़ना है बिहाजी माँ जितना भी कष्ट दे जितना भी दुख दे तो भी तेरे को ये सहनी करना है तेरे को उसके सामने कुछ बोलना नहीं है सुंदर शाह जी ये पूरा ही प्रकरण बिहारी जी महाराज जो श्री जी पर मतलब मिहिराज के जीव पर जो बीता जा रहा है उसकी आत्म को जो यह कष्ट जीव को भोगना पड़ रहा है उसको आ, उसको आधार लेकर यह पूरा किरणतन उतरा है तो यह धोरा जी में सुंदर सा जी ये प्रकरण उतरता है और दोहरा जी से श्री जी आगे और चलते हैं और दोहरा जी से वहाँ से पदमसी भी आते हैं आठ दस दिन वो भी सेवा में रहते हैं वहाँ से घोघा चलते हैं वहाँ तीन दो तीन दिन रुककर कर श्री जी सूरत में पहुँचते हैं कहाँ पहुँचते हैं सूरत शहर में आगमन होता है तो सूरत में पहुँचते हैं विक्रम सत सत्रह में कब पहुँचते हैं सत्रह में घोघा से सुहाली होते हुए श्री जी सूरत में पहुँचते हैं सूरत में सत्रह में पहुँचते हैं और वहाँ सत्रह महीने तक रुकते हैं कितने महीने सत्रह महीने तक रुकते हैं और सत्रह महीने में सुंदर जी कितने कितने सुंदर साद की जागनी होती है आत्मा जागृत होती है धाम धनी आगे प्रसंग में बताएंगे हमको सबसे पहले श्री जी सूरत में सैयद पूरे भगवान नायक की गली में मोहनदास अमीन के वहाँ उतरते हैं कहाँ उतरते हैं मोहनदास अमीन के वहाँ और मोहनदास अमीन राधा वल्ल मार्ग के अनुयायी थे किस मार्ग के राधा वल्ल मार्ग के वल्लभाचार्य मत के अनुयायी थे तो श्री जी पहले वहाँ उतरते हैं तो वहाँ सुंदर साजी ब्रज की रास की बहुत प्रभावशाली प्रभावशाली चर्चा होती है चर्चा से मोहनदास अमीन की आत्मा जागृत होती है तो उसके जो अनुयायी और लोग थे पुष्टि मार्ग के वैष्णवजन और लोग थे उसके अंदर क्या हुआ दृष उत्पन्न होने लगा क्योंकि क्यों वो निंदा करने लगे क्यों? कि भाई हमारे ही अनुयायी हमारे ही वैष्णव दूसरे पंथ में चले जाए ये हमसे सहनीय नहीं है तो ये लोगों ने निंदा शुरू कर दी शुरू कर दी तो श्री जी ने सोचा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है तो श्री जी ने सोचा और वहाँ से धामधनी ने भी प्रेरणा दी तो पास में ही मोहनदास अमीन के घर के पास में ही सैयदपुरे में अभी हाल का जो सुंदर जी मंगलपुरी धाम में सूरत का ये शिवजी भाई का घर था तो शिवजी भाई के घर में श्री जी ठहरे और शिवजी भाई के घर में ठहरने के बाद वहाँ सुंदर सा जी शिव जी ने चर्चा प्रारंभ कर दी तो शिवजी भाई की आत्मा भी जागृत हुई शिवजी भाई की आत्मा जागृत हुई तो वहाँ मैंने अभी बोला ना सत्रह महीने तक लगातार वहाँ चर्चा रहेगी तो शिवजी भाई और रामजी भाई ये दोनों सगे भाई थे ये दोनों ने पहले से ही सदगुरु के टाइम पे तारतम ले लिया था फिर यहाँ श्री जी मिलते हैं तो श्रीजी सुंदर शाह जी शिवजी भाई के घर के अप, घर पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं माँ ब्रज की लीला रास की लीला और धाम की भी चर्चा करते हैं सुंदर ब्रज रास और धाम की चर्चा प्रारंभ कर देते हैं और दोनों को बोलते हैं कि भाई जाओ तुम नौतनपुरी जाके बिहार जी महाराज के दर्शन करके आओ तो पहले सुंदरसाद जी शिवजी भाई को भेजते दोनों को साथ में भेजते लेकिन शिवजी भाई थोड़ी धनवान थे पैसादार थे तो वो पहले शिवजी भाई नौतनपुरी गए तो शिवजी भाई तो अपना घोड़ा लेकर गए तो जल्दी से वो पहुंच गए घोड़ा गाड़ी पर गए तो, तो वहाँ पहुँच के श्री बिहारी जी महाराज को सूचना दी अंदर कि मैं सूरत से आया हूँ और द्वारपालों को वहाँ से बोला कि बिहारी जी महाराज को गद्दीपति महाराज को बोलो कि मैं सूरत से आया हूँ और बिहारी जी महाराज ने बोला कि कैसे वो है व्यक्ति तो बोले कि लगता तो धनवान है बहुत अच्छे हैं वो तो, तो बोले कि अंदर आने दो उसको तो जब शिवाजी भाई अंदर गए नौतनपुरी तो अंदर जाके जब बिहार जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और पांच मोहरे भेंट की क्या किया पांच मोहरे भेंट की तो बिहार जी महाराज तो खुश खुश हो गए बहुत आनंदित हुए और उसको आशीर्वाद भी दे दिया और बोला कि शीज भाई आपकी आत्मा जागृत हो गई मतलब जागृत हो जाएगी क्योंकि तुमने मेरे चरणों में पांच मोहरे भेंट की है तो सुंदरसा जी उसको तो बहुत आदर सत्कार दिया और अपने घर में भी मतलब नौतनपुरी में भी रखा और उसके पीछे रामजी भाई पहुँचते हैं कौन पहुँचते हैं रामजी भाई लेकिन रामजी भाई बेचारे गरीब थे वो तो बेचारे टूटे फूटे कपड़े पहन के वहाँ पहुँचे और बहुत दिनों के बाद चलते चलते बेचारे पहुँचे जामनगर पहुँचे नौतनपुरी और वहाँ जाके बाहर से सूचना भेजवाई कि अंदर जाके के बिहार जी महाराज को बोलो कि राम जी भाई सूरत से आए हैं तो बिहार जी महाराज ने बोला कि भाई कैसा आदमी है तब ये बोला कि भाई ये थोड़े टूटे फूटे कपड़े पहन के आए हैं ऐसा गरीब आदमी है तो यहाँ बोला कि नहीं उसको अंदर आने देना नहीं है क्योंकि ये गरीब है ये, ये मेरे को क्या भेंट धरेगा मतलब मेरे चरणों में क्या रखेगा सुंदर सा जी ये प्रसंग एक किस्सज में तो आ रहा है मेरी बातों को मतलब ये प्रसंग कोई प्रसंग नहीं है मतलब ये किस्सा पहले 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 घट चुका है मैं रोज ही एक एक प्रसंग को अभी मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ समझ में आया हम आज चार दिन से जब बात कर रहे हैं कि माऊ भाई कोई नहीं है चिंतामणि कोई नहीं है लालदासी कोई नहीं है ये सब भी तक हमारी है समझ में आया हम ही लालदासी है हम ही चिंतामणि है हम ही मावजी भाई है आज हम ही रामजी भाई है हम ही शिवजी भाई है सुंदर जी क्यों मैं एक एक बात का मैं स्पष्टीकरण करूंगी कि ये घटना पहले भले घट चुकी लेकिन यह प्रसंग अभी वर्तमान में घटने वाला था पहले का तो किस्सा है मतलब जो घटना घट गई उसका माध्यम बनाकर धनी अभी हमको बोध दे रहे सीख दे रहे और समझा रहे हैं और सावधान भी करे कि सुंदर सा जी देखो ये लीला अभी भी वर्तमान में भी घट रही देखो अभी भी आज कहीं कहीं बड़े बड़े स्थानों में ऐसा होता है ना कि भाई कोई बहुत धनवान लोग आते रिच लोग आते तो उसको थोड़ी वी सुविधा दे दी जाती ठीक है जो गरीब लोग आते तो उसको थोड़ी इससे नीचे की सुविधा दे जाती उससे भी बेचारे गरीब होते तो बेचारे रास्ते में भी सो लेते कहीं भी वो बेचारे पंडाल में और कहीं भी कहीं भी स्थानों में वो बेचारे बाहर भी सो लेते चाहे ठंड हो चाहे गर्मी की ऋतु हो चाहे बारिश के टाइम हो जो भी हो बेचारे गरीब सुंदर साथ तो और क्या कर सकते उसके पास तो कोई अपनी योग्यता कोई आर्थिक स्थिति या अपनी अंदर की कोई बेचारे की है ही नहीं तो क्या करें तो अभी वर्तमान में भी हम कई जगह देखते हैं आज हमारे बड़े बड़े स्थानों में भी हम देखते हैं कि बेचारे बाहर से कई लोग आते सुंदर साथ जी मान लो नेपाल सिक्किम आ, असम या कहाँ से बाहर बाहर से और भी बहुत लोग धनवान भी आते और बेचारे गरीब लोग भी आते जो इतनी छोटी सी एक गठरी में अपने कपड़े बेचारे लेके आते और हम देखते शरद पूर्णिमा के मेले पर पन्ना में या हमारे और और पुरियाओं में या अलग अलग स्थानों में हम देखते तो बेचारे कई लोग तो ऐसे ही रास्ते में सोते होंगे बेचारे सोए पड़े होंगे बेचारे क्योंकि उसको सोने का ठिकाना ही नहीं मिला तो उस उठने के बाद बेचारे नहाने खाने पीने का कैसे बेचारे कहाँ से करे वो क्योंकि उसकी ओर कोई हमारी ध्यान ही नहीं जाती आज ये प्रसंग को लेकर धामधनी रामजी भाई और शिवजी भाई का प्रसंग लेकर अभी भी वर्तमान पर घट गट, जो घटित हो रही हमारे पर ये बात ये पहले का प्रसंग लेकर हमको समझा रहे कि ये पैसे का सम्मान होता है कोई व्यक्ति का सम्मान नहीं है किसका सम्मान हो रहा है यहाँ पैसे का सम्मान हो रहा है व्यक्ति का सम्मान नहीं हो रहा है सुंदर जी तो देखो पीछे से कौन गया राम जी भाई ठीक है तीन दिन सुंदरसाद जी वहां गिड़गिड़ाते रहे रोते रहे ऐसे मतलब विनम्र स्वरों में प्रार्थना करते रहे लेकिन पत्र भी स्वीकार नहीं किया शिवजी भाई का तो पत्र भी स्वीकार कर लिया था लेकिन रामजी भाई का पत्र भी स्वीकार नहीं किया और अंदर आने भी नहीं दिया और बिचारे दो तीन दिन के बाद अपना पत्र भी वापस लेकर वो सूरत आ गए और सूरत आने के बाद श्री जी को मिले और अपना व्यथित हृदय अपना दुखी हृदय आने के बाद जो अपना दिल दुखा हुआ था मतलब इतनी पीड़ा हुई थी कि ऐसे गद्दीपति बिहार जी महाराज जो गद्दी पर बैठे हैं तो अपनी सत्ता अपना पद और अन्यायों के बल पर देखो आज सुंदर जी ये लीला आज की है तभी भी थी और आज भी ये चल रही है तो आज मैंने पहले भी बोल दिया कि वानी क्या कहती है बस वानी पर चलो मैंने बोला सम्मान करो प्रणाम करो लेकिन वानी क्या कहती है तो यहाँ रामजी भाई का प्रसंग को लेकर सुंदर साहद जी व्यथित हृदय वो पीछे फिरे दुखी हृदय से पीछे फिरे और आने के बाद श्री जी को अपनी दिल की व्यथा कही और श्री जी ने बोला कि बिहार जी महाराज के अंदर कोई ज्ञान की सुगंधी नहीं है सुंदर साहद जी तो उससे उसके अंदर अंतराय तो मैंने बोला न कि दोनों स्वरूप के अंदर अंतराय तो पहले सन्नल्यास से लेकिन श्री जी ने तो अपना मन मोड़ लिया था फिर आगे और किस्सा सुंदर सा जी घड़ते शिवजी भाई रामजी भाई के बाद वेदांत के आचार्य श्याम भट्ट और भीम भट्ट वेदांत के आचार्य श्याम भट्ट और भीम भट्ट उसका आगमन होता है शिव जी की चर्चा इतनी जोश में चल रही है इतनी प्रभावशाली चर्चा इतनी अवलोकित चर्चा चल रही है कि पूरे शहर में ये चर्चा फैल गई और चर्चा फैलने से श्याम भट्ट और भीम भट्ट जो वेदांत के आचार्य थे उसके गुरु थे शंभुनाथ जो सन्यासी थे तो वह वेदांत सिर्फ एक वेदांत के आचार्य थे जो हमारे छह दर्शन है सृष्टि बनने के छह मुख्य कारण है उसमें एक वेदांत दर्शन भी है जो वेदांत दर्शन में निमित्त ब्रह्म निमित्त कारण ब्रह्म की व्याख्या वेदांत दर्शन में रखी गई है सुन्दरसाज जी ये सृष्टि के निमित्त कारण की ठीक है तो ये वेदांत के आचार्य छः दर्शन में सांख्य मीमांसा वेदांत पातंजल योग और वैशेषिक, जो छः दर्शन है उसमें वेदांत की व्याख्या निमित कारण ब्रह्म की व्याख्या वेदांत में रखी गई है तो ये उसके गुरु थे शंभुनाथ सन्यासी थे लेकिन उसने यह चर्चा सुनी कि सूरत शहर में कोई ऐसे अलौकिक महात्मा आए हैं, और उसके मुखारविंद से एक देसी चर्चा नहीं एक देशीय चर्चा नहीं सर्वदेशी चर्चा हो रही है उसके मुख से सर्वदेशी चर्चा हो रही है तो चलो हम वहाँ जाए तो भीम भट्ट को लेकर श्याम भट्ट और श्याम भट्ट भीम भट्ट को लेकर दोनों श्री जी की चर्चा में आए सुंदर शाह जी चर्चा में वही आते हैं जहाँ को धनिये पकड़े हाथ जिस पर धाम धनी की कृपा होती है जिस पर धाम धनी की मेहर होती है जिस जिसको धाम धनी ने अपनी छत्रसायाम में लिया होता है वही धाम धनी के चरणों में आते हैं तो यहाँ धामधनी की कृपा हुई और उस दिल में देखो श्याम भट भीम तो वेदांत के आचार्य थे उसने ये उसके अंदर एक आत्म खोज थी क्या थी सही एक आत्म तत्व की खोज थी कि मेरे को बस आत्म तत्व की और परम तत्व की खोज करनी है क्योंकि ये आत्मा कौन है और कहाँ से आई है ये परम तत्व क्या है और कहाँ पर है ये मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ ये शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहाँ है तो अंदर से एक आत्म तत्व की सच्ची खोज थी तो सच्ची खोज के कारण वो भी चर्चा में आए और श्री जी की चर्चा सुंदरसा जी वो ध्यान से सुनने लगे उसके अंदर और कोई द्रेस के कोई विकार भी नहीं थे वही तो सच्ची खोजी होते हैं और जब चर्चा सुनने लगे तो उसको श्री जी की चर्चा इसलिए सुंदर जी अच्छी लगी कि उसके अंदर कोई द्रेश भावना कोई विरोध के कुछ अंदर विकार भी नहीं थे तो वो चर्चा में रोज आ आने लगे और बैठने लगे और चर्चा सुनते सुनते उसको एक दिन ईमान भी आने लगा और एक दिन श्याम भीमभट भीम भट्ट को कहने लगे कि देखो वो कैसी चर्चा करते हैं वो सिर्फ एक वेदांत को लेकर या सिर्फ वेद को लेकर या सिर्फ कोई एक धर्मशास्त्रों को लेकर नहीं कर रहे ये तो एक वेदांत की प्रमाण देने के लिए एक वेद का प्रमाण देने के लिए सभी धर्म ग्रंथों का प्रमाण लेकर वो तो चर्चा करते हैं ये तो सर्वदेसी चर्चा करते हैं तो उसकी बातों तो सुनना उसकी बातों को तो सुनना ही चाहिए तो सुंदर जी वो दोनों रोज ही चर्चा में आने लगे और श्री जी की चर्चा सुंदरसाजी जब सुनने लगे तो उसको पता लगा कि हम तो वेदांत दर्शन को मानते हैं और हम तो अव्याकृत ब्रह्म तक को ही मानते हैं अव्याकृत मतलब अव्याकृत के स्वप्न के स्वरूप नारायण को ही हम मानते हैं और नारायण से आगे तो हम गए भी नहीं हैं क्योंकि यहाँ तो नारायण तो एक अव्याकृत ब्रह्म के मन के स्वप्न के स्वरूप है यह नारायण का अस्तित्व तो तब तक रहेगा जब तक ये महाप्रलय नहीं होगा महाप्रलय में तो पांच तत्व तीन गुण और चौदह लोक एक दिन विलीन हो जाते हैं तब तक तो नारायण भी नहीं रहेगा तो सुंदर जी तो ये सृष्टि नहीं रहेगी तो नारायण कैसे रहेगा नारायण का अस्तित्व विलीन होके ये अव्याकृत में समा जाएगा तो हम तो नारायण तक की बात को ही जानते हैं और हम मानते हैं कि नारायण की सत्ता कण कण में व्याप्त है तो देखो ये श्रीजी तो नारायण से आगे अक्षर की बात बता रहे हैं ये नारायण के आगे अक्षर की क्योंकि अजुर्वेद के चालीसवें अध्यायी जो है वो ईशावास्य उपनिषद कहते हैं उसको तो ईशावास्य उपनिषद में भी कहा है कि तत्र कह मोहम कह शो कह एकत्व अनुपस्यंती मतलब उसमें भी ये कहा गया है कि जो सब में एक ही आत्मा को देखता है मतलब सब सब सचराचर में सभी एक ही आत्मा को देखता है वही पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है तो देखो ये तो श्रीजी भी वैसे ही बात करते हैं सुंदर जी। तो यहाँ श्री जी इससे आगे और अक्षर की भी बात करते हैं क्योंकि वेदांत का मूल प्रतिपाद विषयी अक्षर है वेदांत के प्रथम जो दो सूत्र है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्मादश्य यत मतलब के ब्रह्म जानने का विषय ब्रह्म ये जिज्ञासा का विषय एक जानने का विषय है और ब्रह्म ही पालन पोषण और सहार की सत्ता ही ब्रह्म के अक्षर ब्रह्म के हाथ में है तो इतनी बातों को जब ये श्याम भट्ट और भीम भट्ट ने सुना तो और ईमान आ गया और इसके आगे और एक दिन अक्षरातीत की बात सुनी क्या सुनी कि अरे ये तो नारायण तक की बात नहीं उसके आगे अक्षर की बात नहीं और मुंडक उपनिषद में तो और बात बताई है यद अक्षरम विदो विदु बताया कि भाई ये तो अक्षरात परत पर मुंडक उपनिषद में बताया है कि अक्षरात परत पर मतलब अक्षर से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरा तीत ये तो अक्षर से भी परे अक्षर और अक्षर से भी परे अक्षरा तीत की बात बता रहे हैं तो श्याम भट्ट भीम भट्ट को अलर्ट कर रहे हैं कि सावधान हो जाओ हे भीम भट्ट ये तो तीत की बात कर रहे हैं तो ये बात तो हमको स्वीकार करनी चाहिए ये तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं सुंदर साहद जी ये बात दोनों ने धारण कर ली और बोले कि हम तो अभी तक कहाँ उलझे हुए थे ये नारायण तक मतलब क्षर इंड में ही हम उलझे हुए थे ये क्षर इंड तो कहाँ तक रहेगा जब महाप्रलय होगा तो उसके बाद ये क्षर नारायण का तो नासी हो जाएगा तो ये हमारा ठिकाना और जीव का ठिकाना कहाँ रहेगा कुछ बचेगा ही नहीं तो देखो इससे आगे अक्षर है और अक्षर से आगे अक्षरातीत है तो ये बात स्वीकार करनी है तो दोनों ने अपने पहले गुरु शम्भुनाथ जो सन्यासी थे उसको छोड़कर सुंदरसाजी सुंदर शाह जी के चरणों में तारतम श्रीजी के चरणों में समर्पित अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया और तारतम भी ले लिया किसने श्याम भट्ट और भीम भट्ट ने और सुंदर शाह जी ये प्रसंग पूर्ण होने के बाद तीसरा प्रसंग सूरत में घटित होता है गोविंद जी व्यास गोविंद जी व्यास जो पुष्टिमार संप्रदाय राधा वल्भी मार्ग के अनुयायी थे जो गोविंद जी व्यास पुष्टिमार संप्रदाय राधा वल्भी मार्ग के अनुयायी थे उसके पास वल्भाचार्य जी आज से 500 वर्ष पुष्टि संप्रदाय की स्थापना हुई 500 के आसपास शायद साल हो गए तो उस टाइम पे वल्लभाचार्य जी ने भागवत के दसवें स्कंद पर जो सुबोधिनी सुबोधिजिनी टीका की रचना की थी आज से 500 साल पूर्व श्री वल्लभाचार्य जी ने भागवत के दसवें स्कंद पर सुबोध ने टीका की रचना की थी उसमें चालीस प्रश्न थे कितने थे चालीस प्रश्न थे तो उस टाइम से गोविंद जी व्यास को जो ये चालीस प्रश्न थे अभी तक खुले नहीं थे तो ये सुबोध ने टीका के जो चालीस प्रश्न है उसमें जो पहले पहले नंबर का प्रश्न है ये मोह क्या पदार्थ है मोह कहते हैं किसको ये हिरण्य गर्भ क्या है ये हिरण्य गर्भ अंड क्या है और ये हिरण्य गर्भ अंड अंड से क्या पैदा हुआ और ऐसे ऐसे चालीस जो प्रश्न है सुंदर साहद जी ये चालीस प्रश्न जो वल्लभाचार्य जी के टाइम से अभी तक नहीं खुले थे तो ये प्रश्न को जब अपने पास रखा था और जब उसने ये चर्चा सुनी कि सूरत शहर में कोई ऐसे महापुरुष आए हैं तो वो भी चर्चा करते हैं ब्रज की अखंड ब्रज की अखंड रास की और दिव्य परमधाम की भी लीला का वर्णन करते हैं तो चलो वहाँ जाके कोई हमारी बातों का स्पष्टीकरण हो जाइए चर्च ये प्रश्नों का निराकरण हो जाए तो हमारे एक सुंदर साथ थे वल्लभ दलाल कौन थे वल्लभ दलाल तो उसको भी पता लगा कि उसके पास जो 40 प्रश्न उस टाइम का है यह अभी तक नहीं खुला है तो बहुत महामुसीबत से उसने यह 40 प्रश्न लिखवा कर शी जी के सामने हाजिर किया क्या किया श्री जी के सामने हाजिर किया वो शी जी ने उस टाइम पे सुंदर साजी सूरत में गोविंद जी व्यास के मुख से यही चालीस प्रश्नों का उत्तर दिलवाया श्रीजी इसका स्पष्टीकरण करते गए गोविंद जी व्यास अपने मुख से प्रश्न बोलते गए और श्री जी ने पूरे चालीस प्रश्नों का पूरे विस्तार से स्पष्टीकरण किया कि मोह क्या पदार्थ है तो हम एक दो प्रश्नों का अर्थ ले सुंदर सा जी निकाले और धामधनी अपनी कृपा से कि मोह क्या पदार्थ है यह बताया कि मोह अज्ञान भ्रमणा कर्म काल और सुन ये सारे नाम निंद के निराकार निर्गुण ये मोह क्या पदार्थ है अज्ञान क्या है निराकार क्या है निर्गुण क्या है निरंजन ये सब नाम एकार्थवाची है ये सब पर्यायी है समानार्थी है सुंदर सा जी मोह कहते हैं निराकार को निराकार मतलब मोह सागर उसमें से क्या प्रकट हुआ तो कहाँ से ये चैतन्य आया ये सुवर्ण अंड क्या है ये चेत सुवर्ण अंड मतलब जो एक हजारों साल तक ये अंडा तैरता रहा फिर ये अंडा फूटा उसमें से एक शक्ति प्रकट हुई मतलब ये नारायण का प्रगटन हुआ और नारायण के संकल्प से एक को हम बहुश्याम करके इतना संकल्प किया तो ये पूरी क्रिएट उत्पन्न हो गई तो पहले जो ये सृष्टि का वर्णन मैंने पहले कर चुकी हूँ कि जम्मू कश्मीर और तिब्बत के जो इलाके हिमालय पे वहाँ से पहले सृष्टि जो उत्पन्न हुई नारायण के संकल्प से वहाँ जो मानसरोवर झील है तालाब उस किनारे इसलिए मानसी सृष्टि पहले उत्पन्न हुई उसके लिए उसको मानसरोवर किया जाता है सुंदर जी तो यहाँ बताया कि ये पता उसको नहीं था कि सृष्टि का मूल क्या है मूल प्रकृति क्या है मूल प्रकृति से कारण प्रकृति क्या है ये तो धामधनी की तारतम वाणी ने बताया कि निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जा की इच्छा मूल प्रकृत कैसे कि धामधनी ने परम धाम में जब बताया ने स्वरूप एक लीला दो ही स्वरूप तो एक है लेकिन लीला दो प्रकार की करते हैं ने दोनों स्वरूप तो किशोर स्वरूप है अक्षर ब्रह्म और सिराज जी के स्वरूप लेकिन लीला दो प्रकार की कौन तो क्या राज्य प्रेम और आनंद की माँ लीला संपादित करते हैं और अक्षर ब्रह्म अपनी सत्ता की लीला चारों पादों से सत्स्वरूप केवल ब्रह्म सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म से चार पाद से अपनी लीला संपादित होती है सुंदर जी तो यह चारों पादों में जो अव्याकृत ब्रह्म है जो अपने मन का स्वरूप वहाँ से क्या लीला होती है यहाँ धामधनी ने बताया कि जब पहले हक्के दिल में ईत अक्षर को विलस्यो मन पांच तत्व चौदह भवन यह में महाविष्णु मन मन थे त्रिगुण ताथे थीर चर सब उत्पन्न ई तक्षर को विलस्यो मन जब धामधनी ने अपने दिल में इच्छा ली तो वहाँ इच्छा तो नहीं होती लेकिन वाणी के शब्दों में कि शब्दों के भाव से बताया कि जब जैसे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई तो बाहर आया तो आदेश बन गया ये आदेश जब अक्षर ब्रह्म के दिल में रखा तो मतलब ई तक्षर को विलसियो मन तो अक्षर ब्रह्म का मन विलास पामा, मतलब अक्षर ब्रह्म के मन में ये बात आई तो पहले कहाँ आई तो कि स्वरूप में आई जो उसको कहते मूल प्रकृति मूल प्रकृति क्यों कहा गया सुंदर सा जी सत्यवरूप को कि जो अपनी इच्छा अक्षर ब्रह्म को इच्छा हुई कि मैं खेल बनाऊ क्योंकि दोनों की इच्छा थी ने सखियों की खेल देखने की इच्छा और अक्षर ब्रह्म को अक्षरादित्य के माहौल में प्रेम और आनंद की लीला देखने की इच्छा थी ने तो दोनों की इच्छा पूर्ति करने के लिए अक्षर ब्रह्म के मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई वो इच्छा खेल बनाने की उत्पन्न हुई क्या हुई खेल बना तो अक्षर ब्रह्म के मन में खेल बनाने की इच्छा उत्पन्न हुई उसको कहते हैं मूल प्रकृति क्या कहते हैं मूल प्रकृति तो मूल प्रकृति सत्स्वरूप है और वहाँ से केवल ब्रह्म का आनंद और सबली का चिद्द तो आनंद लहरी में आया ये विचार तो चिदानंद लेहरी से व्यक्त नहीं हो पाया फिर उसके बाद अव्याकृत का महाकारण और सबली का स्थूल शुमंगला पुरुष वहाँ से भी व्यक्त नहीं हो पाया फिर आया रोधिनी शक्ति और ब्रह्म रोधिनी शक्ति और ब्रह्म का स्थूल रूप नारायण के रूप में प्रकट हुआ हुआ और शुमंगला का चैतन्य सुंदरसा जी हिरण्य गर्भ नाम का जो चैतन्य बताया कि वो अंडा फूटा और नारायण की शक्ति जो प्रकट हुई तो यही चेतन यस्वंगला पुरुष से आया सुंदरसा जी ये पहला प्रश्न है ये प्रश्न का किसी को पता नहीं था आज मैंने पहल कल नहीं भी बोला था कि भागवत कथाकार ये सृष्टि उत्पन्न होने की पैदा होने की बात तो करते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं कि मूल प्रकृति क्या है और कारण प्रकृति क्या है ये तो धाम धनी की वाणी ने स्पष्टीकरण किया कि मूल प्रकृति सत्स्वरूप है और कारण प्रकृति अव्याकृत ब्रह्म से ये नारायण की जो नारायण से कारण प्रकृति से ये पूरी रचना हुई तो सुंदर साजी पहला प्रश्न मोह क्या और मोह पदार्थ क्या है और इससे इस चालीस प्रश्न अखंड ब्रज क्या रास किया कपिल मुनि देहूति ऐसे चालीस प्रश्न भागवत के सुबोध जिनी टीका के बल्लभाचार्य जी के लिखे हुए अभी तक गोविंद जी व्यास से खुले नहीं थे तो यहाँ श्री जी ने गोविंद जी व्यास के मुख से खुलवाया और सुंदर जी तो गोविंद जी व्यास श्रीजी के चरणों में सुंदर जी अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया और तारतम भी ले लिया और निजानंद संप्रदाय में हो शामिल हो गए तो पूरे पुष्टि मार्ग संप्रदाय में राधा वल्बी मार्ग में इतना शोर मच गया मतलब सबने निंदा शुरू करने दी निंदा शुरू कर दी कि देखो हमारे इतने बड़े बड़े अनुयायी वल्बी मार्ग के वैष्णवजन आज निजानंद संप्रदाय की ओर जा रहे हैं और सबने शोर करना शुरू कर दिया निंदा भी कोई सुंदर साजी श्री जी को अवलौकिक बड़े महात्मा मान मानते थे कोई श्री जी की निंदा भी करते थे कोई निंदा के बहाने आते थे तो कोई आ, बस आ, ऐसी आने के बाद चर्चा सुन सुनते थे ऐसे निंदा के बहाने आते थे लेकिन चर्चा सुनते थे और चर्चा सुनने के बाद उनको इतनी मिठ्ठी लगती थी कि वो धन्यवाद दे के भी जाते थे मतलब कई प्रकार के लोग आते थे देखो श्री जी कैसे जगह जगह मतलब स्थान स्थान हमारे लिए कितना धामधनी सुंदर सा जगाने के लिए कितने प्रयास कर रहे हैं छठे दिन में भी धाम धनी कहीं नहीं गए कहाँ बैठे हैं धाम धनी हमारे धाम दिल में अंतिम में भी श्री जी ने अंतर ध्यान लीला के टाइम पे बोला ने कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा मेरे को कहीं नहीं खोजना एक वाणी में खोजना और एक सुंदर साथ के दिल में खोजना और मैं कहीं मिलूंगा नहीं तो आज छठे दिन में धामधनी कोई परम धाम नहीं चले गए आज वही तो कोई कोई सुंदर साथ के दिल में बैठकर आज जगह जगह स्थान स्थान है अलग अलग जाके सबको जगा रहा है जगा रहा है ना सुंदर साथ जी तो यही लीला अभी पूर्ण नहीं हुई मैं बार बार कहती हूँ कि तक की घटना पूरी नहीं हुई है तो वहाँ श्री जी के तन से सुंदर साथ जी किरण तन उतरता है सुनोरे मीठी बलभाचार जुबानी रे मीठी बल भाचार जुबानी अर्थलिए बिना जाई अंधेरी करत सब को फानी सुनो रे मीठी बल्लभाचार जुबानी सुनो रे मीठी बल्लभाचार जुबानी ऐसे पुष्टि मार्ग संप्रदाय राधा वल्लिमार्ग के संबंधित दो तीन तन यहाँ भी उतरते हैं सुंदर सा जी वैष्णव कहिए वहाँ को ये ये भी ये सुनो रे चार जवानी तो यहाँ बताया कि हे वैष्णव जनों ये किरणतन उतरता है और वैष्णवजनों को एक ठपकार लगाते हुए फटकार लगाते हुए श्री जी बोलते हैं कि हे वैष्णव जनों हे ए, भी मार के अनुयायी लोग तुम्हारा तो पूरा ही दिन बस खाने में पीने में नहाने में धोने में कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में पूरे इसमें चला जाता है क्या आपने सुबोध जी ने टीका के वल्भाचार्य की वाणी को कभी भी खोल के देखा ये किसको कहते हैं सुंदर साहद जी हमको समझा रहे मतलब बाहर की पवित्रता कहाँ तक रखते रहेंगे जब तक हमारा दिल ही नहीं पवित्र होगा धामधनी ने क्या पवित्र करने के लिए बोला ऐसा नहीं कि बाहर नहाना नहीं बाहर एक बार नहा लीजिए चौकस नहाना चाहिए उससे हमारा मन पवित्र बनता हमारा शरीर शुद्ध होता लेकिन धनी ने अंदर की पवित्रता की बात की कि बाहर बताया ने कि भाई जितनी बार बाहर नहा ਬਤਾਇਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਫੇਰ ਫੇਰ ਨਹਾਵੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਫੇਰ ਫੇਰ ਨਹਾਵੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਖਾਈ कोट बेरा कर दिखाई कोट बेरा तो ये न मिलो कर तार अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेरा आगे दूसरी तीसरी चौपाई में बताए जैसा बाहर बात ही होवे ते दिल जैसा बाहर हो ही होवे होवे शादी तो अधिन न्यारा नही तो अधिन पियू न्यारा नहीं माहे हिल मील अंदर नाही निर्मल फेर फेर नवे बाहेर क्या बताया कह रहे तो अभी वैष्णवजनों को संबंधित करके लेकिन आज किसको समझा रहे सुंदर शाह जी हम सबको कि सुंदर शाह जी बाहर दस बार नहाने से शरीर की पवित्रता होगी लेकिन अंतस्करण की पवित्रता अंतस्करण हमारा शुद्ध नहीं होगा जब ये सुखंग में आव ही तब छुटी जाए विकार जब ये निर्मल निस्दिन ग्रही प्रेम सो जुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन तो सुंदर शाह जी यहाँ बताया कि हे वैष्णव जनों आप वल्भाचार्य जी ठाकुर जी को बाल गोपाल को मानते हो सही है ठीक है लेकिन आप उसकी बताई हुई राह पर तो नहीं चलते हो किसको बता रहे अभी हमको हम राज जी को तो मानते हैं लेकिन राज जी के कहे हुए वचन समझ में आया राज्य की सेवा पूजा तो हमारे मंदिर में हमने बहुत उच्च आसन पर बैठा दिया राज्य की तीन बार सेवा पूजा कर लेते हैं पोढ़ावनी उठापन सब प्रकार के व्यंजन तरह तरह के सब धराते हैं लेकिन राज्य की कही हुई बात हम मानते हैं किसकी बात है ये हमारी एक एक प्रसंग हमारे पर है ये यहाँ बताया कि वैष्णवजनो आप वल्लभाचार्य जी ने जो बताया सही मार्ग अखंड गौलोक का वही राह पर तो आप चलते ही नहीं हो अपने बार बार नहाते हो छूत अछूत उसको टच नहीं करना उसको स्पर्श नहीं करना यही बातों में आप उलझे हुए हो आपको कभी ठाकुर जी का दर्शन होगा कभी कृष्ण जी का दर्शन होगा आपको पता है आप कहाँ से आए हो ये किरणतन आप पढ़ लेना ये किरणतन का भाव में बता रही हूँ उसमें बताया कि आपको पता है आप कहाँ से आए हो आपका घर कहाँ है तुम कौन कौन कहाँ से आए और कहाँ कृष्ण जी मतलब तुम्हारी आत्मा के प्रियतम कृष्ण जी कहां पर है यह आपको पता है तो यह किसको बता रहे हमको तुम कौन हो कहाँ से आए हो मतलब हम परमधाम से आए हैं हम ब्रह्म सृष्टि है ठीक है तो हमको यह पता है कि हमारा घर परमधाम है तो यहां श्री जी ने वल्वाचार्य जी की वाणी पर लेकर सुंदर साजी जनों को एक फटकार लगाई के बोला कि वैष्णवजनो तो मल्लभाचार्य जी की बताई हुई राह पर तो चलते नहीं हो और बाहर के ये आडम्बरों में ये कर्मकांड में ही फंसे हो तो आप कब गौलोक के अखण्ड धाम को प्राप्त होगे तो हे मेरे वहले सुंदर साद जी ये सब बात हमको ही बताई है उसको माध्यम बनाकर सिख हमको दी है तो इतना कहकर हम यावानी को विराम देंगे और सूरत का जो कल का आधा प्रसंग वहां से हम कल जुड़ेंगे हम चौपाई दोहराएंगे इनकी निंदा जो करे सो वे खबार ये तो साध बड़े हैं तरफ धनी निर्धार तरफ धनी निर्धार, निर्धार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सतगुरु महाराज Ta-da!